गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल गुरुजी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ इस बार आ रही है रेलवे से। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ने एक और भर्ती निकाल दी है। पहले आपकी ग्रुप डी और ALP की भर्ती अभी ख़त्म ही नहीं हुई थी कि एक और बड़ी खुशखबरी रेलवे की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए। तो दोस्तों, 4 पोस्टों के लिए उन्होंने इस बार अलग अलग वैकेंसीज निकाली है और वो वैकेंसी हम पता कर लेते हैं। पोस्ट कैटेगरी आपकी देख लीजिए, जूनियर इंजीनियर की 13,034, तो एक ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है रेलवे में, बहुत बड़ी। जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 49 पोस्टें निकली है। डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट की यानी DMS की 456 और केमिकल एंड मेटलॉजिकल असिस्टेंट की 494 पोस्टें, टोटल 14,033 पोस्टें निकली है। तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि धड़ाधड़ वैकेंसीज आपके लिए आ रही है। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के जॉब से रिलेटेड या कोई सजेशन आपको चाहिए किसी जॉब से रिलेटेड, तो वो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इसके लिए मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और फी क्या रहेगी, कब से फॉर्म अप्लाई होने शुरू होंगे, सब पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, एज आपकी रहनी चाहिए 1/1/2019 तक 33 वर्ष की, अब 33 साल से ज़्यादा नहीं हो सकते। एज रिलैक्सेशन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अनुसार होगा। फिर पे स्केल की बात करें तो 35,400 आपका लेवल 6 और 7 पे कमीशन प्लस अलाउंसेज, तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने जूनियर इंजीनियर है उनके लिए डिप्लोमा या डिग्री इंजीनियर में होनी चाहिए। रिलेवेंट डिसिप्लिन प्रिस्क्राइब अगेंस्ट वेरियस पोस्ट इन एनेक्शन ए ऑफ द डिटेल CEN टू बी प्रिस्क्राइब ऑन द वेबसाइट ऑफ RRB की, उस पर आप अलग अलग देख सकते हैं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन इंजीनियर की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट यानी DMS के लिए आपको इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री चाहिए। जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए PG DCA BSc कंप्यूटर साइंस, BCA BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BTech कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, DOE ACC बी लेवल कोर्स ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी PGDCA होना आपके पास, कंप्यूटर साइंस से BTech हो तो आप जूनियर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपके उन्होंने टोटल जो आपके RRBs हैं रीजनल, उनको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है। साथ में उन्होंने दोस्तों एक आपकी केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट की भी बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विद 45 अगर आपके परसेंट मार्क्स हैं, यानी BSc नॉर्मल BSc जिनमें आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री थी, तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो जाते हैं यानी इसके लिए, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए। तो स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन आपका 2 स्टेज रहेंगे, CBT और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, यानी पहला CBT रहेगा, फिर DV आएगा और उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी 2 फेज आपके रहेंगे। तो एग्जाम पास कीजिए, डेफिनेटली डॉक्यूमेंट तो वेरीफाइड हो ही जाते हैं। इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड भी मांगा है और फी जो कही है दोस्तों, इन्होंने कही है कि 500 रुपये रहेंगे सभी कैंडिडेट के, सिर्फ एक्स सर्विसमैन, SC ST, PWDs, वुमेन, ट्रांसजेंडर, इनके लिए रहेंगे 250 रुपये। जनरल के लिए रहेंगे, जनरल OBC इनके लिए रहेंगे 500, लेकिन जो 400 रुपये है पहली कैटेगरी में वापस आ जाएंगे जैसे अब आ रहे हैं रेलवेज के, और सारी की सारी फीस वापस मिल जाएगी SC ST इन कैंडिडेट्स को। तो ओपनिंग ऑफ डेट आपकी January 2 से शुरू होगी 10 बजे से और 31 जनवरी तक ये चलेगा। ऑनलाइन नेट बैंकिंग आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से फी पेमेंट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस चलान, SBI चलान और ये भी कर सकते हैं। तो 7/2/2019 इसकी अंतिम डेट रहेगी सबमिशन की, फीस है जो एप्लीकेशन की। और ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट खबरें थी। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म फिल होना शुरू होगा, हम आपके लिए एक उसका भी वीडियो लेकर आएंगे कैसे आपने फॉर्म फिल करना है, कहीं आप गलत ना भर दो, तो वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। आप सभी का बहुत बहुत